अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और एक नए व्लॉग में। आज हम आए हुए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, क्योंकि आपको पता ही है हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे पापा, उनकी डेथ हो गई है। तो सलमान वगैरह वहाँ गए हुए हैं कोविड की वजह से। मैं यहीं पर रुक गई थी अपनी नंद के घर पर, और इनके जो बच्चे हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है तो बच्चों वगैरह को तो ज़्यादा लेकर नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग यहीं पर रुक गए थे। का कूलर चल रहा है। रोज़ा है आशु तुम्हारा? कहाँ पे रखा है रोज़ा? रोज़ा तो बता दो कहाँ पे रखा है। ऊपर ऊपर रखा है रोज़ा। जैनल तुम्हारा रोज़ा है? कहाँ पे रखा है रोज़ा? तुमने भी ऊपर रखा है रोज़ा। टाइम हो रहा है अभी 5:30 का, और हमारे अगर आज हम रोज़े की बात करें तो थोड़ा ठीक है, ज़्यादा रोज़ा लग नहीं रहा है, वज़ू वगैरह कर लिया है। अभी हम नसर की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी ये नमाज़ पढ़ रही हैं, दुआएं वगैरह मांग रही हैं। उनके बाद में नमाज़ वगैरह पढ़कर पकौड़ियाँ बनाएंगे, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ ब्लॉग में ऐसे ही बने रही। रोज़ा रखा है ना? ये देखो कैसे झाड़ू लगा रहा है ये, इसने घर की सफाई भी करी आज। हम लोग तो बैठे हुए थे रोज़े में, हम लोग तो सो रहे थे, लेकिन इसने अंदर कमरे की भी सफाई करी थी। और अब ये देखो शाम के टाइम पर यहाँ गैलरी वगैरह की भी सफाई कर रहा है। आशु झाड़ू लगा रहे हो तुम? तुमने सफाई करी थी ना घर की, है ना? मुँह से बोलते हैं, मुँह से बोलते हैं। ये देखो आशु ऐसे कर दो, आशु मुँह कर दो। ये हमारी पकौड़ियों की तैयारी हो रही है। ये पकोड़ों के लिए हमारा बेसन तैयार हो गया है, और इसमें हम मिला रहे हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये लाल मिर्च पाउडर, ये इसमें थोड़ा सा अदरक, वो सॉरी लहसुन का पेस्ट। अब इसे सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लें। ये बेसन हमारा पूरा तैयार हो गया, बस अब हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। फाइनली टाइम हो रहा है इस टाइम पर 7:15 के करीब, और हमारा रोज़ा खुल गया। हमने नमाज़ वगैरह सब पढ़ ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मेरी व्लॉग में भाई बहुत मदद करी है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने पकौड़ी वगैरह भी बनवाई है। आज हमारी अम्मी नहीं थी। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस रोज़े का? तो भाई अम्मी वगैरह नहीं थी, उनकी कमी बहुत महसूस हुई, क्योंकि हमसे कुछ बनाना तो आता नहीं है। तो जैसा रहा सबर कुशर करके बना लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बना लिया। देख सकते हैं आप सारा सामान ऐसे रखा हुआ है, अफ्तारी पकौड़ी वगैरह और ये फ्राइज़ वगैरह ऐसी रखे हुए। इतना हमें खाना तो होता नहीं है, क्योंकि रोज़े में ज़्यादा खा भी नहीं सकते, वरना तो तबीयत ख़राब हो जाती है। हे गाइस व्हाट्सएप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई फूफा की जो है वो तकरीबन डेथ हुई थी, और मैं इस ब्लॉग के अंदर कंटिन्यूसली एक्टिव भी नहीं था, क्योंकि आज हमें जाना था बेसिकली अपने फूफा को तकसीम करने के लिए। और तकरीबन ये मानो कि भाई कब्रिस्तान में जब हम गए तो बिकॉज इतने जनाजे भाई, तकरीबन आधे घंटे या आधे से पौन घंटे कब्रिस्तान में रुके, तो उस दौरान में तकरीबन 11 जनाजे अपने सामने देखने को मिल गए। यही नहीं, उसके बराबर में शमशान घाट है भाई, शमशान घाट का भी बहुत ज़बरदस्त हाल है। मतलब ये कह लो कि डेड बॉडीज़ जो हैं वो हद से ज़्यादा रखी हुई हैं शमशान घाट पर भी, और हम बात करें कब्रिस्तान पर भी। इतना बुरा हाल है कोविड का। तो प्लीज़ मेरा एक और मेरा बड़ा रिक्वेस्ट होगा, इस बात को खासतौर से सभी मानिएगा, फॉलो करिएगा। ये कोरोना वायरस जो भी है, खैर हमें इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई। वाकई में यार एम्बुलेंस का आना जाना, मैं तकरीबन आज पूरे दिन इधर से उधर रोड्स पर घूमता रहा, क्योंकि कबर बुक करनी थी। फिर तकरीबन ये मानो कि सारी चीज़ें सब मैनेजमेंट जो भी होता है, एक्सवाइज़ेड हाजिरी का खाना वगैरह, वो सब मैंने खुद अपने हाथों से किया। तो इस वजह से भाई मैं रोड की कंडीशन बता रहा हूँ। तो मेरा एक बड़ा रिक्वेस्ट होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई घर पर रहें, और कोशिश करिएगा कि भाई थोड़ा सा हल्दी का दूध पिएँ, क्योंकि हल्दी का दूध पीने से क्या है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं, जितनी भी हमारी एनर्जी होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, और जो आने वाली जो बीमारियाँ होती हैं ना
उनसे लड़ने की क्षमता जो है वो रखती है। इस वजह से हल्दी का दूध पीना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम सो सॉरी, मैं व्लॉग में एक्टिव नहीं था, इतना भी कंटेंट नहीं मिल सका। जो भी था फिलहाल घर के अंदर थोड़ा बहुत वाइफ ने बनाया, तो वही सारी चीज़ें आपसे जो है वो शेयर करी। बाकी मिलेंगे हम आपको कल की एक और अच्छे से व्लॉग के अंदर। अगर कोशिश हुई कि पूरा व्लॉग को जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा। बाय द वे, जो कंटेंट है वो हम आपसे लगातार शेयर करते जा रहे हैं। वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये मानो कि मैं कल पूरी रात नहीं सोया था और आज भी मेरा तकरीबन वही सब हाल है। और मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत तो कम से कम सो लिया जाए। खाना पीना कुछ भी नहीं हो रहा। बेसिकली हमने शाम को सिर्फ रोज़ा खोला था, और हाँ आज का मेरा रोज़ा नहीं था क्योंकि भाई इधर से इधर भागना, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जानी, तो इस वजह से मैंने रोज़ा नहीं रखा। मैंने प्रेफर किया कि भाई रोज़ा आज का नहीं रखो तो ज़्यादा बेटर है। यू नो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब घर के अंदर होते हैं तो भाई बेसिकली पूरे रोज़े आते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। लव यू, टेक केयर, स्टे हेल्थी, और भाई स्टे होम प्लीज़, घर में रहिएगा। व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, ऑलरेडी व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी मिलेंगे हम आपको कल के व्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए एंजॉय करिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग नाउ, टेक केयर गाइस।